हेलो दोस्तों, आज का यह वीडियो दीक्षा ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स का यह मॉड्यूल 9 है, जो है सामान्य विषय गतिविधि आधारित शिक्षण। इस कोर्स में जो बीच की गतिविधियां एवं अंतिम प्रश्नोत्तरी आई हैं, उनका हमने यहाँ पे सटीक सटीक उत्तर दिया है, आप उसे देख लीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्व आकलन गतिविधि के चरण है, तो गतिविधि के चरण 4 होते हैं। देखिए सही हो गया। अगला क्वेश्चन, गतिविधि आधारित अधिगम कक्ष का निर्माण किस स्तर पर किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा विद्यालय स्तर पर। देखिए सही हो गया। अगला क्वेश्चन, गतिविधि आधारित अधिगम के माध्यम से विद्यार्थी होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सही हो गया। गतिविधि आधारित अधिगम से आप क्या समझते हैं? तो सही आंसर इसमें हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी। सही हो गया। गतिविधि आधारित अधिगम से अधिगम को अस्थायी बनाने हेतु अनिवार्य है? सही आंसर हो जाएगा आपका इसमें उपर्युक्त सभी। सही हो गया। देखिए यह 5 में 5 स्कोर आ गया। चलिए अब शुरू करते हैं इसका मूल्यांकन, अंतिम प्रश्नोत्तरी। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। गतिविधि आधारित शिक्षण में विद्यार्थी शिक्षक के साथ साथ से अधिक जुड़ाव कर पाता है। इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, माता पिता, परिवार, शिक्षक। सहपाठी समूह है, प्रधानाचार्य, माता पिता, तो आप इसमें माता पिता पर टिक कर दीजिएगा। आप इसे टच कीजिएगा तो ऊपर चला जाए, एक बार सिर्फ टच करना है। चलिए अगला क्वेश्चन, गतिविधि के चरण है, तो गतिविधि के 4 चरण है। मतलब निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चे का अन्वेषण में लगना। प्राथमिक स्तर पर अधिगम सामग्री का उपयोग छात्रों में किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा गणित के प्रति रुचि पैदा करने के लिए। अगला क्वेश्चन, सीखने के प्रतिफल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, गतिविधि आधारित शिक्षण की आवश्यकता है? सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, अच्छी गतिविधि की क्या विशेषता नहीं है? सही आंसर हो जाएगा गतिविधि बच्चों के लिए अरुचिकर हो। अगला क्वेश्चन, बुनियादी संख्या ज्ञान के कितने घटक हैं? बुनियादी संख्या ज्ञान के 7 घटक हैं। ABL में किस गतिविधि का उपयोग नहीं होता है? तो पाठ्य पुस्तक पढ़ना। अगला क्वेश्चन, सीखने के प्रतिफल की प्रक्रिया वर्तूलाकार होती है? इसमें सत्य हो जाएगा। गतिविधि आधारित अधिगम से आप क्या समझते हैं? सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका उपयुक्त सभी। ABL किट में बच्चों को रुचिकर लगने वाले शैक्षिक सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन, अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं, योग, घटाव, गुणा और भाग। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? सही आंसर हो जाएगा माला को क्रम में कंठस्थ करना। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर कविता पाठ गतिविधि का सर्वाधिक उपेक्षित उद्देश्य है हाव भाव का विकास करना। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर निबंध लेखन गतिविधि संबंधित है? उपयुक्त सभी। गतिविधि आधारित अधिगम से अधिगम को अस्थायी बनाने हेतु अनिवार्य है? उपयुक्त सभी। वाक्य की संरचना से संबंधित गतिविधि उपयुक्त है प्राथमिक स्तर पर। निम्नलिखित विकल्प में से कौन से विकल्प गणित की प्रकृति के अनुसार सही है? तो उसमें आपका सही आंसर हो जाएगा A और C। NCERT ने सीखने के प्रतिफल का विकास किया है 2005 में। देखिए यहाँ मेरा 20 में 18 सही है, यानी कि मेरा 18% सही हो गया है। अगर आप फिर से इसे रिड्यू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।